वज़ीर-ए-आला सिंध ने बरतानवी कंपनी को 2 लाख टेस्टिंग किट्स का ऑर्डर देने की हिदायत कर दी। सिंध हुकूमत ने कनाडा से भी रैपिड टेस्ट मशीन और 1 लाख किट्स खरीदने की मंजूरी दी। मुराद अली शाह का कहना था कि हमारी टेस्टिंग की तादाद 2020 यौमिया हो गई है, जिसे 5000 तक लेकर जाना है और सहूलियात को मजीद बेहतर करना होगा। वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेरे सदारत कोरोना से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर सेहत अज़रा पिचोहो और डॉक्टर्स समेत दीगर ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आला ने 6 नए PCR मशीनें खरीदने की हिदायत भी कर दी। इजलास में बताया गया कि 7,500 टेस्टिंग किट्स मौजूद हैं, जबकि मजीद 15,000 किट्स 3 दिन में आएंगी। वज़ीर-ए-आला सिंध ने सर्विसेज अस्पताल कराची में कोरोना के मरीजों के लिए यूनिट बनाने का प्रपोजल भी फौरी मंजूर कर लिया। अलहदा वार्ड के लिए बिस्तर और जरूरी मशीनरी की खरीदारी करने का भी हुक्म दिया। सेक्रेटरी खजाना ने 1,34,00,000 रुपए जारी कर दिए। मुराद अली शाह का कहना था कि हमारी टेस्टिंग की तादाद 2020 यौमिया हो गई है, जिसे 5,000 तक लेकर जाना है। किसी भी वक्त यूनिट का दौरा कर सकते हैं। उनका कहना था कि कोरोना वायरस की तशखीस, इलाज और सहूलियात को मजीद बेहतर करना है।